टी20 विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। जी हाँ, यह मैच शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। टॉस आधे घंटे पहले यानी शाम 7 बजे होगा। इस मैच में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। आज हम आपको ऐसे ही 5 रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं जो इस मैच में बन सकते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास भी रिकॉर्ड बनाने का मौका है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में बुमराह ने 50 मैच में 59 विकेट लिए हैं। भारत की ओर से इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में से वह दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल है, लेकिन चहल का इस विश्व कप में चयन नहीं हुआ है। ऐसे में बुमराह के पास चहल को पीछे छोड़ने का मौका है। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अब तक 111 टी20 में 32.54 की औसत से 2,864 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल हैं, उन्होंने 102 मैचों में 2,939 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा अगर पाकिस्तान के खिलाफ 76 रन बनाते हैं तो वह गुप्टिल को पीछे छोड़ देंगे। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में चौके लगाने के मामले में भी रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। उनके नाम 252 चौके हैं। 5 चौके लगाते ही रोहित तीसरे नंबर पर काबिज गुप्टिल को पीछे छोड़ देंगे। इस लिस्ट में भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली ने अब तक 285 चौके लगाए हैं। वे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। यदि कोहली इस मैच में 15 चौके लगा देते हैं तो वे टी20 में 300 चौके लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे। फिलहाल आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने 295 चौके लगाए हैं और टॉप पर हैं। उनकी टीम विश्व कप से बाहर हो गई है। ऐसे में कोहली के पास रिकॉर्ड बनाने का मौका है। चौथा रिकॉर्ड रोहित शर्मा बना सकते हैं। रोहित एक कैच लेते ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 43 कैच लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। बतौर फील्डर रोहित फिलहाल सुरेश रैना के साथ संयुक्त रूप से नंबर एक पर हैं। दोनों ने 42 कैच लिए हैं। वैसे सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी हैं, लेकिन उन्होंने बतौर विकेटकीपर कैच लिए हैं। धोनी ने करियर के दौरान टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 91 कैच लिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बाबर आजम और पाकिस्तान आज इतिहास रच सकता है। जी हाँ, विश्व कप में अब तक पाकिस्तान भारत को नहीं हरा सका है, चाहे वो वनडे विश्व कप हो या टी20 विश्व कप। ऐसे में पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम के पास यह शर्मनाक रिकॉर्ड पीछे छोड़ने का मौका है। अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो बाबर भारत को हराने वाले पाकिस्तान की टीम के पहले कप्तान बनेंगे।